हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। होपफुली आप सारे ठीक होंगे। कोरोना वायरस से घबराने की ज़रूरत नहीं है। घर में SOP हम फॉलो करेंगे और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे भी। अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। देखो, ह्यूमन बीइंग का जो एग का स्ट्रक्चर है वो मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा, वो मैं समझाने की कोशिश करूंगा 12th क्लास के लिए और नीट के लिए। देखो, ह्यूमन बीइंग का जो एग होता है ना, वो राउंडेड होता है, गोल होता है। ह्यूमन बीइंग का जो एग होता है नॉन मोटाइल होता है। नॉन मोटाइल का मतलब है वो खुद से नहीं चल सकता है। जैसे ह्यूमन बीइंग का स्पर्म है ना, ह्यूमन बीइंग का स्पर्म खुद से चल सकता है क्योंकि उसके पास टेल होती है। टेल ह्यूमन बीइंग के स्पर्म को मोटाइल बनाता है और वो लोकोमोशन कर सकता है, मूवमेंट कर सकता है, चल सकता है खुद ब खुद। मगर ह्यूमन बीइंग का एग जो है वो नॉन मोटाइल है और एलेक्थल है। एलेक्थल का मतलब है यॉक फ्री। ह्यूमन बीइंग के अंडे में यॉक नहीं होता है। जैसे मुर्गी के अंडे में यॉक होता है, मगर ह्यूमन बीइंग में जो अंडा होता है, ह्यूमन फीमेल में जो अंडा होता है उसमें यॉक नहीं होता है, उसको बोलते हैं एलेक्थल। और जो साइटोप्लाज्म होता है एग के अंदर, उसको बोलते हैं ऊप्लाज्म। और जो मेम्ब्रेन होती है एग की, उसको बोलते हैं ऊलिमा। ऊलिमा उसको बोलते हैं ऊलिमा। देखो, अगर हम देखें एग का स्ट्रक्चर, एग के अंदर जो न्यूक्लियस होता है ना, उसको जर्मिनल वेसिकल बोलते हैं। जर्मिनल वेसिकल एग के न्यूक्लियस को बोलते हैं। लार्ज न्यूक्लियस होता है, बड़ा न्यूक्लियस होता है जर्मिनल वेसिकल। और आउटर कवर, देखो जो एग होता है ना हमारे पास, इसके ऊपर तीन कवर होते हैं। एक हमारे पास है सबसे आउटर कवर, उसको बोलते हैं कोरोना रेडेटा। मिडल वाले कवर को बोलते हैं जोना पेलास्यूडा। और इनर वाले कवर को बोलते हैं हम ऊलिमा या एग मेम्ब्रेन या प्राइमरी मेम्ब्रेन। देखो, ये तीन कवर होते हैं हमारे एग के ऊपर। ये जो कोरोना रेड, ये जो जोना पेलास्यूडा है ना, इसको बोलते हैं प्राइमरी एग मेम्ब्रेन, क्योंकि जोना पेलास्यूडा जो है वो एग खुद अपने ऊपर सिक्रीट करता है, खुद बनाता है एग। एग के द्वारा ये मेम्ब्रेन बनाई जाती है, उसको बोलते हैं प्राइमरी एग मेम्ब्रेन, जोना पेलास्यूडा को। कोरोना रेडेटा जो है ना, इसको बोलते हैं सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन, क्योंकि कोरोना रेडेटा जो है ये बनता है एलोंगेटेड फॉलिकल सेल से। कुछ फॉलिकल सेल जो होते हैं वो कोरोना रेडेटा को बनाते हैं, एग खुद कोरोना रेडेटा नहीं बनाता है, इसलिए इसको बोलते हैं सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन, ठीक है ना। देखो, आपको पता है ये ऊजेनेसिस जब होती है ना, यहाँ पोलर बॉडी भी बनते हैं। ऊजेनेसिस जब आप पढ़ोगे आप देखोगे पोलर बॉडीज बनते हैं। और एग का वो हिस्सा जहाँ से पोलर बॉडीज निकलते हैं, यहाँ मैंने लिखा साइड ऑफ एग विच एक्सट्रूड्स पोलर बॉडीज, उसको बोलते हैं एनिमल पोल। जहाँ से पोलर बॉडीज निकलते हैं उसको एनिमल पोल का नाम दिया जाता है। और एनिमल पोल के अपोजिट जो पोल होता है, इसको वेजिटल पोल का नाम दिया जाता है, वेजिटल पोल का नाम दिया जाता है। ये चीज़ याद रखना कि सेंट्रियोल्स एग में नहीं होते हैं। ह्यूमन बीइंग के अंडे में साइटोप्लाज्म अच्छा खासा होता है, देयर इज अबंडेंट साइटोप्लाज्म इन द एग ऑफ ह्यूमन बीइंग, बट देयर इज नो सेंट्रियोल, सेंट्रियोल इसमें एबसेंट होता है। देखो, जो ह्यूमन का स्पर्म है ना, उसमें सेंट्रियोल है मगर साइटोप्लाज्म निल है। साइटोप्लाज्म बहुत ही कम है क्योंकि उसको चलना है, उसको दौड़ना है, इसलिए साइटोप्लाज्म उसमें कम होता है और साइटोप्लाज्म इसमें होता है, ठीक है ना। एग में अच्छा खासा साइटोप्लाज्म होता है। ये ह्यूमन बीइंग का जो दिस एग का स्ट्रक्चर है। देखो, यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कोरोना रेडिएटा जो है, ये इसको बोलते हैं सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन, ठीक है। जोना पेलास्यूडा को बोलते हैं प्राइमरी एग मेम्ब्रेन। मैंने अभी आपको बोला प्राइमरी एग मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन होती है जो एग खुद अपने ऊपर सिक्रीट करवाता है। सेकेंडरी मेम्ब्रेन होती है वो जो एग सिक्रीट नहीं करवाएगा। जैसे यहाँ पे कोरोना रेडिएटा जो है वो एलोंगेटेड फॉलिकल सेल का बना हुआ होता है, और ऊलिमा होती है इनर सेल मेम्ब्रेन, ठीक है ना। ये जो अंडा होता है ना एग, ये रिलीज होता है 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। होपफुली ये आपको इन्फॉर्मेशन जो है थोड़ी सी समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।